न्यू जर्सी में अक्षय कुमार का प्रोग्राम हुआ रद्द, सेल्फी के फ्लॉप होने का दिखा असर। अमेरिका के न्यू जर्सी में आयोजित होने वाले अक्षय कुमार के प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया है। प्रोग्राम के प्रमोटर ने दावा किया है कि टिकट्स की धीमी बिक्री की वजह से इसे रद्द करना पड़ा। हालांकि प्रोग्राम की परिकल्पना वाले धर्मा कॉर्नरस्टोन एजेंसी ने बताया कि प्रोग्राम रद्द होने की वजह स्थानीय प्रमोटर और आयोजकों के बीच में विवाद है। फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक बयान में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी SAI USA INC ने कहा है कि उन्हें कड़ा फैसला करना पड़ा और दर्शकों को निराश करने के लिए उन्हें बहुत खेद है। इस फैसले की वजह से दिशा पाटनी, नौरा फतेही, सोनम बाजवा, मोनी रॉय, जसलीन रॉयल, अपार शक्ति खुराना और अक्षय कुमार का कार्यक्रम द एंटरटेनर्स टूर रद्द हो गया है। ये प्रोग्राम 4 मार्च को क्योर इंश्योरेंस एरेना में आयोजित होने वाला था। प्रोग्राम के प्रमोटर ने कहा, हम साफ साफ ये बताना चाहते हैं कि प्रोग्राम को रद्द करने की मुख्य वजह उनके टिकट्स की बेहद धीमी बिक्री है। जिन लोगों ने न्यू जर्सी में होने वाले प्रोग्राम के टिकट्स खरीदे हैं, उन्हें पैसे वापस कर दिए जाएंगे। वहीं DCA के उदय सिंह गौरी से संपर्क करने पर मंडे को बताया गया कि अफवाहों के विपरीत द एंटरटेनर्स टूर सही राह पर है। न्यू जर्सी में आयोजित होने वाले प्रोग्राम को स्थानीय प्रमोटर और आयोजकों के बीच विवाद की वजह से बंद कर दिया गया है। बाकी और प्रोग्राम्स अपने तय समय के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। अक्षय कुमार ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में अटलांटा, डलास, ऑरलैंडो और ऑकलैंड में होने वाले प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की है। आपको बता दें, अक्षय और इमरान हाशमी की फिल्म सेल्फी का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल है। ओपनिंग डे के बाद से ही फिल्म का बुरा हाल है। फिल्म के रिलीज को 4 दिन हो चुके हैं, वहीं चौथे दिन मूवी ने सिर्फ 1.90 करोड़ का कलेक्शन किया है।